हाई एवरी वन, आई एम अन्यो एंड वेलकम बैक टू बायंस क्लासेस। आप सभी को अभी तक पता हो गया हो कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसा फैलता है, ठीक है नहीं? लेकिन अगर फिर भी आपको डिटेल में जानना है कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसा फैलता है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही साथ मैंने कोरोना का सिम्टम्स को विथ अदर जैसे फ्लू, एलर्जी, कोल्ड, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का कोरोना वायरस का अपडेट बताती हूँ। इंडिया में टोटल कंफर्म केसेस है 4,10,000, रिकवर्ड रेट है 2,28,000 एंड डेथ है अराउंड 13,254। लेकिन अच्छी बात यह है जो रिकवर्ड रेट है ये हमारा 50% से ज़्यादा है। सो इससे बचने के लिए लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बचा जा सकता है। सो इसी दौरान एक नया ट्रीटमेंट, एक नया थेरेपी देखा गया है जिसे ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अप्रूव कर दिया गया है टू यूज़। हम आज उसी टेक्निक के बारे में, उसी थेरेपी के बारे में बात करेंगे जो है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। सो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे, दैट इज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कॉन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्वलेसेंस मीन्स कोई भी पेशेंट या पर्सन का जो रिकवरिंग फेज होता है, रिकवरिंग फेज फ्रॉम एनी इलनेस और ट्रीटमेंट। इसे हम कहते हैं कॉन्वलेसेंट थेरेपी। का मतलब होता है ट्रीटमेंट। एंड प्लाज्मा को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लड क्या होता है, ठीक है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का, जो हमारे सारे बॉडीज में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हम यहाँ डिटेल में ब्लड की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें बात करना है प्लाज्मा की। तो क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इसमें लिक्विड प्लाज्मा, दूसरा है इसमें फॉर्म एलिमेंट। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। लिक्विड प्लाज्मा क्या है? ये येलोइश फ्लूइड है। क्लियर येलोइश फ्लूइड है, ठीक है? अब ये लिक्विड प्लाज्मा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इसमें 90-92% वाटर, ठीक है? दूसरा है तो इसमें ये 8-10% ड्राई सब्सटेंस, ठीक है? अब ये ड्राई सब्सटेंस फिर क्या होता है? फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि कैटायंस, एनायंस आते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। ये हमारे जितने भी बॉडीज में हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसको ट्रांसफर करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडीज में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है? अब क्या होता है, अभी सोचने वाली बात ये है कि जो हम जितने भी ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, जो प्लाज्मा थेरेपी, ये न्यू है। प्लाज्मा थेरेपी पहले भी हुआ है, लेकिन हम प्लाज्मा को ही क्यों लेते हैं, ये सोचने वाली बात है। वाई प्लाज्मा? प्लाज्मा इज सिक्रेटेड बाय बी
सेल, ठीक है। अब ईच बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन और आईजी। ये क्या है? एक टाइप वाई शेप का प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन है हमारे, ये टाइप का प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडी को, यानी एंटीबॉडी को तब ही प्रोड्यूस करेंगे जब हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये अच्छे से डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे एंटीजन, ठीक है, एंटीजन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एंटीजन जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तब क्या होता है, हमारे बॉडी, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी अब क्या करते हैं, अब क्या होता है इसके बाद, एंटीजन, इस एंटीजन को ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगा। अब उसके बाद में एंटीजन और एंटीबॉडी का बाइंडिंग होगा, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, दोनों के बीच में क्या हुआ, बाइंडिंग हुआ, ठीक है। स्पेसिफिक होता है एक एंटीजन एंटीबॉडी का, तभी बाइंडिंग होगा जब एक दूसरे से ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अब इनका बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है, ये कुछ ऐसा सिग्नल्स रिलीज करता है जिसके वजह से हमारे बॉडी में जो सेल्स होता है, मतलब इंपॉर्टेंस जो सेल्स होता है, मैक्रोफेजेस जैसे कि, ठीक है, मैक्रोफेजेस, ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाता है तो ये मैक्रोफेज क्या करता है, इन दोनों का बाइंडिंग को ये ऑब्जर्व करता है, सिग्नल को एक्वायर करने के बाद ये इसको एनगल्फ कर देता है बाय प्रोसेस, इसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ये इसको क्या कर देता है, एनगल्फ कर देता है, यानी इसको खा देता है, जिसके वजह से क्या होता है, अब मैक्रोफेज है, इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स, केमिकल्स बहुत सारे होते हैं जो क्या करता है, ये जो एंटीजन है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, ये एंटीजन को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्टीमेटली ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, ये किल हो जाएगा, है कि नहीं, ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे बॉडी को, जिससे हम क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, है कि नहीं। अब सोचने वाली बात ये है कि किसी किसी पेशेंट्स में एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस में क्या होता है, कोरोना वायरस के केस की अगर हम बात करें तो इसमें एंटीबॉडी का डेवलपमेंट जल्दी नहीं होता है, ज़्यादा पहले तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो वायरस है, नोवल कोरोना वायरस है कि नहीं, ये जब वायरस बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं इसके लिए अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाते स्टार्ट इनिशियली, क्योंकि ये वायरस एकदम नया है, हमारे बॉडी को टाइम लगता है उसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा केसेस भी देखा गया है जिसमें हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगे हैं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज इट वर्क, ये कैसा वर्क करता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन ये है COVID-19 पेशेंट, ठीक है, ये COVID-19 से इन्फेक्टेड है। अब क्या हुआ, आफ्टर कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, ये ठीक हो गया, ये रिकवर्ड गया, ठीक है। जब ये रिकवर्ड हुआ, इट मीन्स इसके बॉडी में, इस पर्सन का, इस पेशेंट का बॉडी में इतना सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये एंटीबॉडी जो कि अगेंस्ट कोरोना वायरस है कि नहीं, क्योंकि ये कोरोना वायरस से रिकवर्ड हुए हैं अभी अभी, तो ये एंटीबॉडी जो है ये अगेंस्ट कोरोना वायरस है। अब क्या इसको हम इस पेशेंट से हम ब्लड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद में अब उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ब्लड को, ठीक है, बाय प्रोसेस जिसे हम कहते हैं प्लाज्माफेरेसिस, ठीक है। प्लाज्माफेरेसिस प्रोसेस के थ्रू हम ब्लड को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद में इसमें जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये प्लाज्मा को हम जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, अभी जो न्यू इन्फेक्टेड कोरोना वायरस के पेशेंट है, ठीक है, उसमें इसको हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि जो प्लाज्मा है इसमें सफिशिएंट अमाउंट में, इतना सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो
इसमें जो एंटीजन्स हैं, दैट इज जो कोरोना वायरस का जो एंटीजन है, इसको इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसमें क्या किया हमने, प्लाज्मा को डाल दिया, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में ऐसा देखा गया है कि जो ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट रिकवर्ड हो गए, ये पेशेंट ठीक हुआ है। ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी ये टेक्निक अप्लाई किया गया है, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिला गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो कोरोना वायरस का, ठीक है, अब क्या होता है, जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये एंटीबॉडी एंटीजेंस के, यानी कोरोना वायरस का जो स्पाइक होता है, इस स्पाइक में डायरेक्ट टारगेट कर देता है, जिसके वजह से ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अल्टीमेटली वो जो पर्सन है, जो इन्फेक्टेड, न्यू इन्फेक्टेड पर्सन है, वो ठीक हो जाता है। नाउ द थिंग इज, कोई भी रिकवर्ड पेशेंट ब्लड सैंपल देते भी हैं, तो इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, वही लोग ब्लड सैंपल्स दे सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज, एज शुड बी बिटवीन 18 to 60 years, इसी बीच के जो एज वाले के जो पर्सन होते हैं, वही ब्लड सैंपल्स दे सकते हैं। दूसरा है, वेट शुड बी अबव 50 kg। थर्ड पॉइंट इज, जो ब्लड जो दे रहे हैं, उनका खुद का हीमोग्लोबिन होना चाहिए अराउंड 12.5 ग्राम पर डीएल, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, इट शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी अदर क्रोनिक डिजीज। मतलब जो ब्लड दे रहे होते हैं, वो खुद ही इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए फ्रॉम अदर डिजीज। देने से पहले उसका ब्लड का, मतलब उसका पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है कि वो खुद कोई अदर इन्फेक्शन से, मतलब उसको खुद अदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ये चेक करते हैं, उसके बाद ही वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट हो, वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं कोरोना वायरस, चाहे वो इम्यून भी हो भी जाए, तभी भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज नोट नोट। पहला पॉइंट है इसमें, वही पेशेंट, वही पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो रिकवर्ड हो, मतलब जो खुद कोरोना वायरस से रिकवर्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट ब्लड सैंपल दे दे, क्योंकि उसमें, उसके बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी मतलब फॉर्म हुआ ही नहीं, तो उसका दे के कोई फायदा नहीं है। तो वही लोग दे सकते हैं जो खुद रिकवर्ड हो फ्रॉम कोरोना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें, कोई भी पर्सन, पेशेंट ठीक होने के बाद, ठीक होने के एकदम, ठीक होने का तुरंत बाद सैंपल उसका नहीं लेते हैं, ठीक होने का कम से कम उसके बाद 5 to 18 days बाद उसका ब्लड सैंपल्स लिया जाता है, एकदम तुरंत नहीं, ठीक होने के कुछ देर बाद। थर्ड पॉइंट इज, अगर हमने ब्लड सैंपल लिया भी, ठीक होने के बाद सैंपल लेने के बाद भी, हम डायरेक्ट किसी पेशेंट में उसको नहीं देते, पेशेंट को उसको इंजेक्ट नहीं करते हैं, उससे पहले हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उसका पहला हम उसके लिए खुद एक खुद कोविड 19 टेस्ट लगाते हैं, कोरोना वायरस टेस्ट लगाते हैं। दूसरा, साथ ही साथ अलाइजा टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। अलाइजा टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि उस ब्लड में कितना अमाउंट में एंटीबॉडी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एंटीबॉडी से ही मतलब है कि नहीं। तो हम अलाइजा टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि उस पेशेंट का ब्लड में, उस पेशेंट का सीरम में कितना, उस पेशेंट का प्लाज्मा में कितना अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब क्या होता है, प्लाज्मा जब हम ब्लड कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है, ब्लड कलेक्ट करने के बाद, सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो क्या होता है, जब ज़्यादा अमाउंट में जैसे कि इन्फेक्टेड हो, तो हमें प्लाज्मा को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लाज्मा को हमें फॉर प्रोलॉन्ग प्रिजर्वेशन के लिए हमें प्लाज्मा को -40 degrees Celsius टेम्परेचर में रखना बहुत ज़रूरी है, तब हम इसे प्लाज्मा को फॉर ए ईयर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा के थ्रू हम अदर वैक्सीन्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी प्लाज्मा यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया, टिटनस, इसके लिए भी प्लाज्मा यूज़ किया गया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। एंड साथ ही साथ कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस कोविड 19 के लिए तो इसको अप्लाई किया, इस टेक्निक को यूज़ किया गया है, लेकिन इसके अलावा
प्रीवियस पहले के टाइम पे और भी अदर डिजीज थे उसके लिए कॉन्वलेसेंट, उसके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी यूज किया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आता है, पहला है मर्स, दूसरा है सर्स, इबोला, फोर्थ वन इज स्पैनिश फ्लू। सर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो इन सब के लिए भी पहले प्रीवियस पहले, क्योंकि ये सब भी पेंडेमिक पेंडेमिक के लिए ये सब भी स्प्रेड हुआ था, जैसे कोरोना वायरस है कि नहीं, तो इन सब के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ किया गया था फॉर ट्रीटमेंट की तरह। सो आज मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि कोरोना वायरस के लिए हम नया जो टेक्निक जो थेरेपी यूज़ किया है दैट इज़ कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, ये क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है कि जो ब्लड डोनेट कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ये टेक्निक इससे पहले भी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, कैसे कैसे यूज़ हुआ है कि नहीं, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। और सबसे पहले मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी बताया है कि ब्लड क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड क्या है, तो ब्लड मैंने आपको डिटेल में बताया है कि नहीं। अब लास्ट में, अब जाते लेक्चर एंड होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट मैंने आपको बताया था वो 90-92% वाटर होता है, लेकिन फिर भी प्लाज्मा येलोइश कलर क्यों दिखता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आपको आज का लेक्चर अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायंस क्लासेस। थैंक यू।